हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया। तो आज ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी 10 o'clock हो रहे हैं। तो इस टाइम पे मैंने करने जानी है पूजा। तो चलिए पहले पूजा कर लेती हूँ मैं फटाफट से। तो मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर दिखा दूँ कि आज का भी मौसम बिल्कुल क्लाउडी है, बिल्कुल बारिश वाला है। यहाँ थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगने लग पड़ा, बहुत अच्छा मौसम लगता है। तो चलिए मैं आपको बाहर ले चलती हूँ, देखते हैं कैसा व्यू है। बिल्कुल क्लाउडी, बस बारिश ऐसे है कि आने ही वाली है, अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। और जो आपको ये साउंड आ रही होगी तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये एसी चल रहा है तो उसकी साउंड भी है। क्योंकि ये ना अब मॉनसून आ चुका है तो उसमें जो होते ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो एसी के बिना काम नहीं चलता। तो बस वहाँ देखिए आगे मैं आपको फील्ड्स दिखा रही हूँ, जहाँ पर लोग अपना काम भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम चल रहा है। और बस देखिए वेदर देखिए बहुत ही अच्छा है। लंच टाइम में मैं बना रही हूँ, आज लगाऊंगी मैं दही को तड़का सिंपल वे में। तो ये मैंने प्याज को ऐसे लंबा लंबा काट के अदरक के साथ, और मैंने जीरा और फेंगुइक सीड्स जो होते हैं वो डाल दिए हैं, और इसमें मैंने धनिया के बीज पीस कर वो भी डाल दिए हैं। तो मैंने इसमें साबुत धनिया लिया है जिसको मैंने क्रश कर लिया है अच्छे से, उसी को डाला है। एंड आप देख सकते हैं इसमें मैंने क्रश ही करके लाइक वो डाला है, ग्रेट करके इसमें जिंजर डाला है। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, सिंपल सा बनाऊंगी, नो ज़्यादा तामझाम, क्योंकि मुझे दही को तड़का लगाना था और दिल था आज कुछ चटपटा सा खाने को। और समर सीज़न में वैसे भी थोड़ा दही वाली चीज़ें खाते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। सो अगर ऐसे आप डायरेक्ट कई बार हमें सूट नहीं करती है दही डायरेक्ट लेना, तो ऐसे तड़का लगा कर खाया जाए तो और भी ज़्यादा टेस्ट लगती है और मज़ा आता है। और इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, एंड इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं तो खाऊंगी चपाती के साथ, और आप चावल के साथ बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। तो बस अभी इनको ब्राउन होने देते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर। मैंने वैसे तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल दी है, ड्राई ग्रीन पाउडर चिली का, और थोड़ी सी रेड चिली डाल देती हूँ सो कलर आ जाएगा। और एज़ पर टेस्ट इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे। अब ये हो चुका है ब्राउन, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने टमाटर जो मैंने क्रश कर लिए हैं। आप लोग इसमें ग्रीन चिली डाल सकते हैं, तो मैंने ग्रीन चिली मैंने सिखा के रखी थी, उसका पाउडर बना दिया था इसमें वो डाला है। मैं इसमें थोड़ा सा जो है अपना रेगुलर जो आटा हम यूज़ करते हैं वो डालूंगी, जिससे क्या होगा कि इसमें जो टेस्ट है वो बेसन का नहीं आएगा और इसको पक जाएगा तो वो कड़ी भी नहीं लगेगा, लेकिन ये कि दही का तड़का जैसे होता है ना वैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा वो थिक होगा। अगर ऐसे हम तड़का लगाएंगे दही को और जब उसको बॉयल करते हैं तो वो पानी पानी अलग हो जाता है, तो इससे क्या होगा थोड़ा सा थिक होगा। और इसको स्लोली स्लोली तो इस टाइम अगर आपने पकौड़े भी तले हैं या कुछ तला है तो वो आप डाल सकते हैं। और इसको हम फिर ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, हल्का सा बॉयल देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इसकी जो हीट आ रही है धीरे धीरे फ्लेम स्लो फ्लेम में पकाएंगे इसको, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ हीट की तो ये फट जाएगी और फिर ये ख़राब हो जाएगी। तो बस अब हम इसको स्लो फ्लेम में हीट करेंगे, इसको हमने बॉयल नहीं करना, इसमें बॉयल नहीं आना चाहिए, बस हीट होनी चाहिए। जैसे गर्म होने लग पड़े बंद कर दीजिए, तो आपकी ये कढ़ी तैयार है। और एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी वाली है। तो यहाँ पर जियाना और एंजल आपके साथ कुछ शेयर करेंगे, देखते रहिए। तो जिया, आज हमने किया है मामा का व्लॉग टेक ओवर, क्योंकि हम जेली केक बनाएंगे। तो जिया की डिमांड है कि उसे जेली केक खाना था, सो शी वाज जस्ट अनोइंग अस फ्रॉम नॉट अनोइंग लाइक डिमांडिंग फ्रॉम द नाइट दैट आई वांट टू ईट जेली केक। सो वी लाइक ओके वी आर गोना मेक इट। सो हम आज बनाएंगे जेली केक विद द सिस्टर पावर। यस ओके सिस्टर पावर। Okay, so first, what is the first thing that we need to do? We need to pour the milk. No, we need to keep our safety. So what are we going to do? We're going to wear aprons. Yes. Just let me go bring it. Hey. Dun, dun, dun. So here we are. We're having our aprons. So
So let me give Jia's first. Jia, this is your apron. Let me just wait, make her wear. Yes. So I'm guys, whenever you cook, just first wear your apron so your dress not get messed up. Okay. If your dress get messed up, you have to change it and. Like Jia is wearing a pretty, pretty unicorn dress. So she doesn't want her dress to get messed up, right? Yeah, because I love my unicorn dress. So let me just wear it too. Ready with our aprons. I have a pretty one. Yeah, me but too. But yours is pretty too. Yeah. She looks so beautiful. Okay. You too. So we're going to start with our little stuff. So what we're going to do is, here we have a chilled milk. You're gonna put it in the gas. We need a cup. My BDS! My BDS cup. And here is our mixer. Just hold it. So for the jelly, we're using the 5-star milk jelly. And yes, it's a 5-star milk jelly which have 5 different flavors inside it. Can I tell you the flavors? Just wait, let me open it and then we're going to tell them, okay? Okay. So it has 5 different flavors, plus it is not made with the use of water. We're going to use milk, that's why I have milk right here. So let me open it quick and then Jia can elaborate which flavors we have inside. So here we have our flavors. Yes. So which one is this one, Jia? Geyser. This is geyser. And this one? Blackberry. This is raspberry. And this one is vanilla. Vanilla. So this is the vanilla, the pista, and we have mango. Okay, so we have mango, pista, raspberry, and we have kesar with vanilla. So Jia, out of these 5 flavors, which one do you really want to make? We're going to make 2, so you gotta pick 2. So first, which one? I'm gonna pick B2. This is raspberry. She picked. We're using raspberry and vanilla. So which one first you wanna go with? I think I'm gonna go with vanilla. Okay, so first we're gonna make vanilla, guys. I like vanilla. So here's my mug, and here is the milk. This is my mug, not yours. Okay, fine. So first we're going to take 3 spoons of this milk in this mug. Okay. What? One. Be careful, Dido. Don't burn them. Two. Three. Okay, let me just add one more. Four. Perfect. It's a little bit downer, but I think this is. So here we have our milk. I don't know if you can see it. Let me just. So this is the milk. Yeah, milk. You don't need very much. You just need a bit of milk. Okay, so here we have milk. And we're going to make the vanilla one first. So, Jia, can you handle me the scissors? Okay. Oh, here. Oh, okay. It's a duck. Here the blue scissors. I don't got me. So we're snipping it off. Snip. Pour this hole into this mug. Look at how the flavor is going. Wow, okay. Can I do that? Add a hole and squeeze it. No, you're just gonna do this. Okay, just don't mix it yet, okay? Let me tell the viewers how does it look like. This is how it looks like, and now Jia is going to mix it. Jia mix. This is a very thick one. It has become thick. And it's ready. We don't need thick, so we're going to add a bit more of milk. Yeah, to make it more smoother. Smooth like butter. Form. It was very thick, so it might going to take 10 to 11 spoons of milk. So make sure that you have to make it in a liquid form. And now our second step is, what is our second step? To make another jelly. No,
to boil the milk. Okay? Let's go. Go. I'm going to put it. The gas is ready. Now we're going to pour our milk. And how we are going to do it, we have done it. One side we have covered in the foil paper, so we can make two different halves of the heart. So first we're going to make the one, we're going to place it here, and for the support we have done this so it do not fall. So this is our structure of this. So you'll see it look a bit of mess up, but you'll see when it get beautiful cooled. So bach gaya tha mix, to humne isme dal diya hai pudding mein. So now let's get them to the room temperature, right, Gia? Yes, in a bit. Okay. It has turned to the room temperature. Now we're going to put it in the oven. In the fridge. Yeah, we're going to put them in the fridge. So let's go. We're not moving up, you know? Ready? Yes. बोलो ना. हमारी जेली हो गई है. रेडी, हमारी जेली रेडी हो गई है. ओके, बस हमें फ्रॉस्टिंग बनानी है. अभी तो हमारा जेली बना, केक नहीं बना. तो अब हम इसको निकालेंगे बहुत धीरे से. ओह, कितनी सुंदर लग रही है. ओके, लेट्स डू द प्रोसेस. Frosting, because the frosting turned out very sweet and our jelly is already very sweet because we used a lot of sugar today. Now I'm getting more calories, so I'm going to have frosting. So guys, we're gonna finish this video with absolutely plus not absolute fail, but still, however it turned out, we're satisfied because we got something to eat and she's still disturbed. It's really hell to make video. Finish this video by yourself. Do the outro, do whatever you want to.
तो ऐसे जिया ने की बदमाशों ने दीदी को कर दिया इरिटेट और इनकी जेली केक जेली तो बन गई लेकिन बस केक की आइसिंग लगानी रह गई थी, वो उसने पूरा नहीं करने दिया और दीदी गुस्से होकर चली गई। चलो अब हम लोग देखते हैं तो क्या बनता है। मैं इवनिंग में बनाऊंगी आलू एंड कैप्सिकम, जिसके लिए मैंने मसाला भी रेडी कर लिया है। और अभी हम पियेंगे चाय, चाय के साथ में दे रहे हैं अमूल की ये बिस्किट्स, जो नए बिस्किट्स आए हैं आज ही लेकर आए, पैकेट मैंने ओपन कर दिया था। बिस्किट्स जो है अमूल के फर्स्ट टाइम, पहले जब इसकी पैकिंग ऐसी लगती है जैसे ना कि बटर लेकर आया हो, तो हम मैंने तो धोखा ही खाया कि अमूल का बटर होगा, बट नहीं ये बिस्किट्स थे। तो ओपन करते हैं इसको और खा कर फिर बताऊँगी ये कैसे हैं, कैसे लगे आप, ठीक है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग नाइट का, बस खाना खा के फिर वो वाले बर्तन क्लीन करूँगी। यहाँ पर अभी तक मैंने बर्तन सब क्लीन कर दिया है, सारा का सारा क्लीनिंग कर दी है अपनी किचन की। और अब हम लोग कर लेते हैं डिनर, डिनर के बाद सिर्फ रह जाएंगे मेरे डिनर के बर्तन, और उसको क्लीन करने के बाद फिर आपसे बोलूँगी मैं गुड नाइट, और मैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी दुनिया, एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग माई vlogs. Thank you so much.